शांति। दो अक्टूबर आज महात्मा गांधी जी की जयंती भी है आज के दिन हम उस महान पुरुष को याद करते हैं जिसने भारत को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया और बहुतों से करा दिया उनको तो सच्चे दिल की शुक्रिया है ही पर उनके साथियों को भी वो भारत के बापू कहलाए और परमात्मा है पारलौकिक परम पिता पारलौकिक बापू तीन पिता हो गए लौकिक जिसने जन्म दिया पारलौकिक जो आत्माओं का पिता है और अलौकिक ब्रह्मा बाबा तो बाबा कह रहे हैं लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक पिता को याद करते हैं आओ हमें पतित से पावन बनाओ हमें धाम और शांति धाम का मार्ग दिखाओ, हमारी सदगति करो तो बाबा याद दिलाते हैं बच्चे संसार में आने से पहले तुम आत्माएं शांति धाम के वासी थे मैं भी वहीं रहता हूं तुम यहां पाठ बजाने आए हो तुम बहुत सुखी थे पूरा चक्र बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें याद आता चले ध्यान देंगे इस बात पर आज भी बाबा याद दिला रहे हैं तुम लक्ष्मी नारायण के राज में थे ये भारत बहुत सुखी था जब यहाँ पवित्रता थी तो यहाँ बहुत सुख और अथा संपदा थी बाबा अपने गरीब बच्चों से बात कर रहे हैं सभा में गरीब बच्चे बैठे थे मैंने तुम्हें बहुत साहूकार बनाया था तुम विश्व पर राज करते थे बताओ बच्चे तुमने वो सारा धन माल कहा गंवा दिया राज दी अब मैं फिर से राज स्थापित कर रहा हूं तुम्हारे लिए मैं भारत में आ गया हूं ये भारत सभी धर्मों का तीर्थ स्थान है क्योंकि यहीं से मैं सब धर्म वालों की गति सदगति करता हूं मैं भारत में आता हूं ये मेरा बर्थ प्लेस है मेरी कर्म भूमि है मुझे भी इससे बहुत प्यार है मैंने भारत को पावन बनाया था निर्विकारी बनाया था तब तुम बहुत सुखी थे जन्म लेते लेते तुम पतित बन गए दुखी हो गए हो फिर से मुझे पुकारते हो क्या कहते हो हम नैनहीन हो गए हैं हे प्रभु हमें राह दिखाओ हम दर दर भटक रहे हैं हमें इन भटकनों से छुड़ाओ गीत बजा था ऐसा ही मुल्य से पहले नैनहीन को राह दिखा प्रभु पग पग ठोकर खाऊं मैं तो बाबा कह रहे तुम सभी भक्ति में भटक गए क्योंकि जिनकी भक्ति करते थे उनको बिल्कुल पहचानते नहीं थे ब्लाइंड फेथ में आ गए दर दर ठोकरे खाने लगे अशांति हो गई भक्ति में भी कुछ बल नहीं रहा सुख नहीं मिला इसलिए तुम मुझे पुकारते थे अब मैं आ गया हूं मैंने आकर तुम्हें ज्ञान की रोशनी दी है तुम्हें भटकने से बचा दिया है मैं तुम्हें सुख देने आ गया हूं मैं संगम युग पर ही आता हूं कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में ये चार युगों का चक्र घूमता ही रहता है बस शास्त्र वालों ने लंबी आयु देकर युगों की लाखों लाखों लाखो साल के हैं युग सबको कुंभकर्ण की गहरी नींद में सुला दिया है मैं आ गया हूं सबको जगा रहा हूं फिर भी कई लोग जगते नहीं कहते अभी तो कलयुग लंबा पड़ा है भगवान तो आएगा तब जगेंगे बाबा कह रहे हैं, अभी जागो ज्ञान दे रहे हैं तुम लक्ष्मी नारायण थे आदि सनातन देवी देवता धर्म था सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर ये नाम दिया गया है आदि सनातन देवी देवता धर्म तुम सूर्य वंशी थे वंशी बाद में आए तुम बहुत महान थे पूज्य थे तुम्हारे पास धन संपदा थी मैंने तुमको भरपूर कर दिया था अब सभी लोग भक्त लक्ष्मी नारायण के मंदिर बना रहे हैं पूजा करते हैं पर किसी को भी ये पता नहीं ये इतने महान विश्व महाराजन कैसे बने किसने बनाया कहाँ चले गए इनका राज कहाँ गुम हो गया राधे कृष्ण के बारे में भी बहुत कम जानते हैं दोनों का आपस में क्या संबंध था दोनों अलग अलग राजा के थे दोनों की शादी हुई लक्ष्मी नारायण कहलाए लोगों को तो कुछ भी पता नहीं श्री कृष्ण की भी क्या क्या कहानियाँ हैं और राधा को केवल उनकी भक्ति दिखा दिया गया बहुत प्यार करती थी श्री कृष्ण को तो बाबा हम सभी को संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया अब समाप्त होने वाली है महाभारत लड़ाई सामने दिखाई दे रही है यह वही महाभारत लड़ाई है जिससे पुरानी दुनिया का महाविनाश हो जाता है इसलिए तुम्हें इस कांटों के जंगल से प्यार नहीं रखना है तुम्हें इस पुरानी दुनिया को भूलते जाना है अगर तुम इस पुरानी दुनिया में अटके होंगे तो मेरे से बुद्धि योग तुम्हारा नहीं जुड़ सकेगा तो बाबा बार बार हमें हमारे आदि स्वरूप की याद दिला रहे हैं हमें अब चेक करना है ज्ञान लेने के बाद सब कुछ जानने के जानने के बाद भी कहीं हमारी बुद्धि भटक तो नहीं रही है बुद्धि का भटका विज्ञान की निशानी है सत्य ज्ञान मिल गया सत्य प्रकाश मिल गया हमने जान लिया भगवान कौन है हम कौन है यही तो दो बातें जानने की थी इम्पोर्टेंट कहाँ से आए इस सृष्टि में तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जानी चाहिए ध्यान देंगे चेक करेंगे स्वयं को अंधकार में भटक तो नहीं रहे स्पष्ट ज्ञान है कर्म क्या करने हैं और क्या नहीं करने लास्ट में बाबा ने कहा तुम आत्माएं हो तुम्हें श्रेष्ठ कर्म ही करते रहना है वरदान है निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर कर्म पर अटेंशन रखने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव हम निमित्त हैं हीरो एक्टर हैं हमें सारा संसार फॉलो करता है हमें कहीं भी कारण नहीं देना है कि ये कारण है हम ये पुरुषार्थ नहीं कर सकते हमारे अंदर कोई कमी रह जाएगी तो सभी लोगों में कमी रह जाएगी हमारा प्रभाव विश्व पर पड़ता है इसलिए मैं निमित्त हूँ मैं जिम्मेदार हूँ मुझे सब फॉलो करते हैं यह टेंशन सदा ही रखना है स्लोगन है ज्ञानी आत्मा वह है जिसे हमने गुणों का और विशेषताओं का भी अभिमान न हो आज का हमारा अभ्यास रहेगा बहुत अच्छा चिंतन करेंगे हम ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो चुके हैं तो हमारी बुद्धि संपूर्ण स्थिर हो हम हर घंटे में एक एक मिनट आत्मा पर अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे और परमात्मा पर करेंगे इससे एकाग्रता बढ़ जाएगी और परम आनंद की अनुभूति होगी ओम शांति